हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता। आप इस नाश्ते को एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। आपके यहाँ जब भी कोई मेहमान आए, आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और नाश्ता बनाने के झंझट से आजादी पा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, बिल्कुल धुआंदार। जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा, हम इसमें एक चम्मच डालेंगे अजवाइन, जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। अजवाइन को हमें काला नहीं करना है। 10 से 15 सेकंड अच्छे से इस तरह से चटका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पालक। तो पालक में पाया जाता है बहुत सारा आयरन, और बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है आयरन। वैसे तो वो पालक खाने वाले नहीं है, तो इस तरह से हम नाश्ते में छुपा के खिला सकते हैं। तो यहाँ पे वेट ने हमारी पालक 50 ग्राम थी, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो पालक को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से हाई फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आपके पास पालक ना हो तो आप इसकी जगह पे मेथी के पत्ते भी ले सकते हैं या फिर बथुआ के पत्ते भी ले सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए, पालक को मैंने 10 से 15 सेकंड बिल्कुल हाई फ्लेम पर भून लिया। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे चुटकी भर, जिससे इसको नाश्ते को पचाने में आपको मदद मिलेगी और हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आप पालक को लो फ्लेम पर पकाएंगे तो पालक आपका पानी बहुत छोड़ेगा और फिर आपका टाइम भी बर्बाद होगा, गैस भी बर्बाद होगा। इसीलिए हमें इसको हाई फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड भूनना है। ये देखिए, पालक हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। अब हम चलते हैं आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर अपनी इस पालक को ट्रांसफर करेंगे, जिसको हमने भून के लिया है। ठंडा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, चौथाई चम्मच, जिसको हम इस तरह से मसल कर डालेंगे। ये देखिए, जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरैली बोलते हैं। ये ज्यादा नहीं डालने से छोटा चम्मच डालना है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आप सिर्फ आधा चम्मच डालना। तो यहाँ पे इसको कलौंजी बोलते हैं, मगरैली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भरकर चाट मसाला, जिससे ये चटपटा बनेगा। थोड़ा सा हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, अगर आपके पास ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि पालक में खुद का नमक होता है, जो कुदरत की तरफ से होता है। तो इसीलिए कोई भी चीज बनाए पालक की तो उसमें कम ही नमक डाले डियर, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। हाफ टी स्पून तक हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे हमारे नाश्ते को काफी प्यारा लुक मिलेगा। ज्यादा हल्दी मत डालना, नहीं तो पीलेपन की जगह पर लालपन आ जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। वेट नहीं है हमारा, 150 ग्राम है। नाप में कटोरी है, आप चाहे तो कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे छान के लेना है। तो फ्रेंड, जितना हमने गेहूं का आटा लिया उससे हमें एक कम लेना है, यानी तिहाई हिस्सा हम लेंगे बेसन। तो बेसन मोटा महीन जो भी हो आप छान के लेंगे। बेसन डालने से बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तक चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आपको दो चम्मच डालना होगा। अब सारी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से पहले मिला लेंगे। पानी का पहले इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पालक के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी होगा। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से करके देखना, अगर ये बंद रहा है तो समझ जाइए आपका ऑयल जो था वो ठीक है। अगर नहीं बंद रहा है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल देना। घी और बटर की जगह पे ऑयल डालेंगे तो काफी मजा आएगा, नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाए रखने में मदद भी करेगा। तो यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम मीडियम डो लगाएंगे। ना बहुत ज्यादा हमें टाइट लगाना है, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट। तो हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूंदना है, एक साथ पानी डाल के नहीं गूंदना है डियर। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया, ना बहुत ज्यादा टाइट है ना बहुत ज्यादा लूज है, इस तरह से मीडियम डो लग गया है। इतना आटा लगाने में मुझे एक ग्लास पानी में तीन हिस्सा इस्तेमाल हुआ, एक हिस्सा बच गया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक तिल, जिससे बहुत ही अच्छा हमारे नाश्ते को लुक मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सफेद वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो आप ब्लैक वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास तिल ही ना हो तो आप बिना तिल के भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हमने कर दिया है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और इसमें हमने कोई भी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए हम इसे फूलने का टाइम देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, फटाफट इस नाश्ते को बना सकते हैं। लेकिन नेचुरल तरीके से फूलने देंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए 3 से 4 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 बूंद,
और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे और अब इसको हम हल्का सा मस लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे आटे में चिकनाहट होगी और इस नाश्ते को हमें बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ये देखिए, तो यहाँ पे बेसन डालने से थोड़ा सा ये चिपकता है, तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काउंटर पर रख के इस तरह से हल्का सा मस लेंगे और इस वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे थम का, और आगे की तरफ लेकर आएंगे और पीछे करेंगे। ऐसा हमें करना है ताकि इसमें जो एयर बनी है वो निकल जाए, तभी हमारा नाश्ता काफी फ्लफी और काफी कुरकुरा बनेगा। ये देखिए, ज्यादा नहीं करना है, 2 से 3 बार करिए, बस हो गया। और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, ये हमारा 1, और यहाँ पे हम इसको 2 भाग में कर लेंगे। तो टोटल मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है और अब हम इस नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो 1 ले लेंगे, इसको हम अच्छे से गोल कर लेंगे जैसे हम पेड़ा बनाते हैं, और इस तरह से फ्लैट कर देंगे। अब थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें गेहूं का आटा नहीं लगाना, हमें चावल का आटा लगाना है। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही आसानी से आप घर में चावल का आटा बना के स्टोर कर सकते हैं पूरे पूरे साल, और आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब चावल का आटा लगाएंगे तो ये नाश्ता काफी लंबे समय तक कुरकुरा रहेगा, जैसा आप बना के रखेंगे वैसा ही रहेगा। अब इसको हम हाथ से इस तरह से हल्का हल्का सा फैला लेंगे, आप बेलन की सहायता से इसे रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे रोटी से हल्का सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, और यहाँ पे आपको इसको चारों तरफ से बराबर बेलना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है, और बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं रखा है ना बहुत ज़्यादा इसको पतला किया है, रोटी से हल्का सा मोटा रखना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा मोटा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, और इसको आप हाथों से फैला लें या ब्रश से फैला लें, जिससे भी आपको आसानी मिले। तो मुझे तो हाथों से काम करने में ज़्यादा आसानी लगती है, तो मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए पूरा कर लिया है, अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर चावल का आटा इस तरह से डालेंगे और इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करना, इसी से आपका जो नाश्ता है लंबे समय तक क्रिस्पी बनेगा। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके आएंगे, थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर हम इसको भी लेकर आएंगे और यहाँ पे भी हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा। और अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे भी ऑयल जाएगा, तो जो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है, और इस तरह से हम इसको अच्छे से कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा के, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको भी इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे हमें बेलना है, तो यहाँ पे आप इसको हल्का हल्का सा बेलना, बहुत ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है, और चारों तरफ से बराबर बेल लीजिए। और अगर आपका परफेक्ट नहीं बनता है तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने इसको कर लिया है, और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं देखिए इस तरह से इसको अलग कर लूँगी ये वाले भाग को, और अब इसको हम 1-1 इंच की दूरी पे कट लगाएंगे, देखिए इस तरह से। तो थोड़ा सा इस तरह से लगाना, आप पिज्जा कटर से भी इसको कट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हमें इसे मोटी नहीं रखनी है, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। और आप इस नाश्ते को चाय के साथ, केचप के साथ बच्चों को देंगे तो उनको बहुत ही खाने में मजा भी आएगा, और दूसरी बात ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें पालक पड़ी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, बाकी भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने बना लिया है, आप इसे बना के फ्रिज में भी लगा सकते हैं, हवा बंद डिब्बे में, जब आपका मन हो, या मेहमान आए आप निकाल के बना सकते हैं, और बना के रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। आप चाहे तो इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं, मैंने इतना बड़ा रखा है। और इसको बनाने की कुछ टिप एंड ट्रिक देंगे जिसे जरूर फॉलो करना, जिससे काफी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए बताते हैं वो टिप एंड ट्रिक, वीडियो के साथ बने रहिए डियर। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ एक पैन लिया है, आप कोई भी बर्तन लीजिए, कढ़ाई पैन या फिर आप भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भारी लेना। जब आपका तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तब इस नाश्ते को डालना, और डालते ही तुरंत चलाने की गलती नहीं करनी है। यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा दूरी दूरी पर डालना है ताकि आपस में चिपके ना, और एक साथ बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे और कुक होने का इनको टाइम नहीं मिलेगा अच्छे से, और ना ही स्पेस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है, और गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे से अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाना है एक साइड से, फिर उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। तो
तो इसको बनाने में आपको 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगेगा, तो 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट का टाइम हो चुका है और ये देखिए ऊपर आने लगी है और कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम आराम से टर्न कर देंगे और दूसरे साइड से भी इसको 2 मिनट पकाएंगे, तो टोटल 3 मिनट का टाइम लगता है और काफ़ी लंबे समय तक ये क्रिस्पी और कुरकुरी रहेंगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो चलिए इसको दूसरे साइड से पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए मैं आपको करी से दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छे से कुक हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और इसको आप थोड़ा सा साइड में रखना इस तरह से, और अब मैं इसको निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, जितनी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रही है खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है। अभी हम आपको तोड़कर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको फटाफट निकाल लेंगे, हल्का सा साइड में रखेंगे। तो ये देखिए दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना है, गैस के फ्लेम को फिर से मीडियम ही रखना है और तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। जब तक आपका तेल गर्म ना हो आपको नहीं डालना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपनी इसमें और डाल देंगे। ये देखिए तो सेम जैसे हमने पहले वाली बनाई थी उसी तरीके से हमें टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाना है। एक साथ ढेर सारी नहीं डालनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस रेसिपी को बनाते समय। जितना आप आराम से काम करेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा खाने में। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है और आप इसे स्टोर कर पाएंगे तो आपकी टाइम की बचत है। एक बार बना कर रख दीजिए। तो ये देखिए, तो चलिए बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जो देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा हेल्दी, और आप इसे पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग करीब से कितना प्यारा लुक आया है और कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, और सारे ही हमारे ऐसे ही बने हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और लंबे समय तक ऐसे ही रहेगा अगर आपने मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो किया होगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से टूट रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इस तरह से मुंह में मेल्ट हो जाएगा। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे फैमिली वालों को खिलाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सबसे पहले आप इसे केचप के साथ चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी क्या अच्छा लगा, और आप इसे पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक आया है और कितने अच्छे से कुक हुआ है, आपका भी यही रिजल्ट आएगा अगर आपने मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो किया। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।